आइए भैया चालू करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने OCM का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का, अपन ने बेसिकली ब्लूप्रिंट का पूरा एनालाइज रिव्यू किया था। अपन ने देखा था कितने चैप्टर में से कितने मार्क्स का वेटेज आने वाला है, कितने मार्क्स को अपने कितना टाइम देना है, पेपर के अंदर 5 टाइप के सेक्शंस आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने लास्ट वीडियोज़ के अंदर OCM में देखी थी। अब वापस वही सारी चीज़ें मैं इकोनॉमिक्स पेपर का, अगर मैं पेपर स्टाइल देखना चाहूँ, ब्लूप्रिंट देखना चाहूँ, इवेल्युएट एनालाइज करना चाहूँ कि मेरे को किस हिसाब से कितना टाइम देना चाहिए, वापस वो की वही वीडियो वॉर इकोनॉमिक्स आज अपन चालू करते हैं। सबसे पहले तो ये रीस्टार्ट सीरीज है जहाँ पे स्टूडेंट हर एक चीज़ को विथ शेपर्स एजुकेशन सारी की सारी चीज़ें फॉर द इकोनॉमिक्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर एक चैप्टर को अपने रीस्टार्ट सीरीज में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे एक एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देते हुए अपने हर एक चीज़ को कवर करेंगे और टिल द लास्ट चैप्टर तक वापस पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे जो अपन मेन क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, रिवीजन बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन फटाफट वीडियो बना के फटाफट पूरा चैप्टर समझा देंगे। इसका मतलब बेसिकली अपने कोई न्यू स्टूडेंट है वो भी इस वीडियोज़ को, इन रीस्टार्ट सीरीज़ को परचेज करके, रीस्टार्ट सीरीज को देख के पूरा का पूरा बेसिकली इकोनॉमिक्स वापस से फटाफट रिव्यू कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ किसकी वेटेज ऑफ द मार्क्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे पास वही सेम जो अपन हर पेपर स्टाइल में देखते आ रहे हैं। 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सबसे पहले तो मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ पहले आते थे। कितने के लिए सर? 10 MCQ आते थे 1 मार्क के लिए। अब नया बोर्ड ने नया पेपर स्टाइल लेके आया है, अब यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फॉर द टोटल 20 मार्क्स। इनको मैंने कितना वेटेज दिया है? 20 मिनट्स दिए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि होते हैं सर 1 वर्ड के, सेम एज इट इज़ जो पहले इकोनॉमिक्स में पूछे जाते थे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाते थे 1 मार्क्स ईच। तो फिर यहाँ पे मैंने टोटल ओवरऑल जो लास्ट ईयर में हमने फॉलो किया था, लास्ट ईयर भी एक बच्चे को यही समझाया था हर एक बच्चे को कि बेसिकली अपने को 1 वर्ड में इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना है। 1 वर्ड बेसिकली ऐसा होता है कि जिसको एक सेंटेंस में, एक वर्ड के अंदर, जिसमें खाली अपने को क्वेश्चन में से एक वर्ड यूज़ करना पड़ता है और उसी वर्ड के हिसाब से अपने को आंसर वो सेंटेंस बना के देना है। तो इसमें इतना टाइम अपने को लेने की जरूरत नहीं है कि जितना अपन ने MCQ लिया, क्योंकि MCQ के लिए अपने पास 20 क्वेश्चन थे, इसलिए 20 मिनट वहाँ पे अपन ने यूटिलाइज किया। नेक्स्ट आता है मेरा 2 मार्क्स के लिए, जो पहले भी आते थे पर पहले सर 2 मार्क्स के लिए नहीं, 10 क्वेश्चन आते थे, आज 2 मार्क्स के लिए नए पेपर पैटर्न के हिसाब से टोटल 24 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें 12 क्वेश्चन अपने को पूछे जाएंगे। इसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, हालांकि इतना टाइम यूज़ नहीं होता है पर फिर भी सबसे ज़्यादा टाइम दिया है। कितना? 40 मिनट्स फॉर द थर्ड सेक्शन, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, शॉर्ट क्वेश्चंस 1। नेक्स्ट आता है मेरा लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर 3 मार्क के लिए अपने को 7 क्वेश्चंस दिएंगे। लास्ट ईयर भी 3 मार्क्स के लिए अपने को क्वेश्चंस पर कुछ ज़्यादा देते थे, इस साल क्या कर रहा है, 7 क्वेश्चंस दिए हैं, 21 मार्क्स का टोटल वेटेज रहेगा, जिसमें मैं 45 मिनट्स पूरा टाइम यूटिलाइज करूँगा टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। अच्छा, यहाँ पे मैं हर एक क्लास में बताता हूँ हर एक बच्चों को, सर सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे 2 या फिर 2.5 पेजेस भर के आने हैं, तभी बोर्ड, गुजरात बोर्ड अपने को मार्क्स देगा। भर के आने इन द सेंस अपने को यहाँ पे लिखना क्या क्या है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर अपने को इसमें लिखना है कंसेप्ट जो बेसिकली पूछा है, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस जो भी है, फिर अपने को इसमें लिखना है कंक्लूजन। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी अपने को ये 3 मार्क्स बोर्ड देने वाला है। गुजरात बोर्ड की बात करो तो गुजरात बोर्ड के अंदर कंटेंट भी गुजरात बोर्ड उतना ही मांगता है, मतलब क्वेश्चन भले ही 3 मार्क्स का हो पर गुजरात बोर्ड को 2.5-3 पेज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तब जाके अपने पूरा स्कोर कर सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आते हैं मेरे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो कि हर साल पूछे जाते हैं, पर 4 क्वेश्चन में भी पूछे जाते होंगे हर साल, पर इस साल अपने को 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर 5 मार्क्स। मतलब अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा वेटेज की, पच्चीस मार्क का
सारे सेक्शन में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको मैं बोलता हूँ, जो कि है मेरे ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चंस अपने को पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए, मतलब 25 मार्क्स, और सबसे ज़्यादा टाइम अपन ने यहाँ पे दिया है मतलब 60 मिनट्स का टाइम अपन ने यहाँ पे लिया है टू कंप्लीट दिस 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे अपने को सेम एज इट इज़ इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले, तो फिर अपने को कंसेप्ट डेफिनेशन पूछी है तो वो लिखनी है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन लास्ट में लिखना है, और ये भी मिनिमम अपन ने 2.5-3 पेज की बात करी थी, ये होना चाहिए 3 से 3.5। पेजेस का पूरा क्वेश्चन होना चाहिए 5 मार्क्स के लिए। ये तो था पूरा ओवरव्यू किसका, पैटर्न का, किस टाइप के पैटर्न क्वेश्चंस आने वाले हैं, 2 मार्क के कितने, 1 मार्क के कितने। अब आते हैं चैप्टर वाइज, अगर चैप्टर वाइज बात करो तो सबसे पहला चैप्टर वेरी इजी जो कि है मेरा ग्राफ्स। ग्राफ का चैप्टर बहुत ही ईजी है समझने में, इतना आसानी होती है कि तुरंत बच्चा समझ जाता है, तुरंत स्टूडेंट समझ जाता है, बहुत ईजी, बहुत स्कोरिंग। जैसे अपन ने OCM में भी चैप्टर नंबर 1 देखा था, बहुत स्कोरिंग था, बहुत वहाँ पे मार्क्स बच्चे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 2 इंडिकेशंस, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है पर यहाँ पे वेटेज उतना ही ज़्यादा है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा होगा उनके लिए हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो, पर एक बार जैसे तुम रीस्टार्ट सीरीज हमारी पूरी चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक देखोगे, सारी की सारी चीज़ें जो अपन ने मेन क्लास में पढ़ी थी उन्हीं सारी चीज़ों को उन्हीं इन डेप्थनेस के साथ, एनालिसिस के साथ अपने वापस वही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। अगर मैं बात करूँ किसकी, चैप्टर नंबर 3 और 4 की, बहुत ईजी चैप्टर है, मनी और इन्फ्लेशन बताने, इन्फ्लेशन क्यों होता है, मनी के टाइप्स बताने हैं, मनी से पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होता था उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं, मनी की लिमिटेशन फंक्शंस बताने हैं, कितने मार्क के लिए 8 और 8। बैंकिंग चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं पहले भी रीस्टार्ट सीरीज में, वापस बैंकिंग चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्या फंक्शंस है, RBI सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस है, बैंक कहते हैं किसको है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक चीज़ अपने पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 में से। नेक्स्ट आता है मेरा पॉवर्टी वाला चैप्टर। सर डेटा है, डेटा याद नहीं होते, कोई बात नहीं, रीस्टार्ट सीरीज में अपने वापस सारे के सारे डेटा याद करने की कोशिश करेंगे जैसे अपन ने मेन क्लास में पढ़ा था। वापस आते हैं इसके वेटेज के लिए, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर मैं बात करूँ तो ये 3 चैप्टर है, 5, 6 और 7। सेम चीज़ OCM में भी अपन ने 3 चैप्टर देखे थे, कौन कौन से, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे भी सेम चीज़, ये तीनों कितने के लिए हैं, 10 मार्क के लिए। अच्छा ये 4th वाला भी एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की तो एम्प्लॉयमेंट के अपन ने टाइप पढ़े थे, डिस्गाइज्ड फंक्शन, वापस रीस्टार्ट सीरीज में अपन सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, डेटा को याद करने की कोशिश, ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने वाले हैं, नोट्स, अपने नोट्स प्रिपेयर करके नोट्स से अपन बेसिकली क्या करेंगे, हमारे शेपर्स एजुकेशन के नोट्स है जो नोट्स की वजह से अपने को माइंड मैप मिल जाता है, मतलब जो डेटा मैं एनालाइज नहीं कर पाता था, जो डेटा मैं लर्न नहीं कर पाता था, वो डेटा सारे के सारे अपन इस आने वाली सीरीज के अंदर याद करने की कोशिश करेंगे। लास्ट अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन ट्रेड, सर डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड, 8 मार्क के लिए पूरा वेटेज है इस चैप्टर का, इसमें टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक ट्रेड। लास्ट टाइम भी एक बार पहले पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड क्या होता है, किसको कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड, किसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड, कैसे फॉरेन ट्रेड बेसिकली बेनिफिट्स दे रहा है, फॉरेन ट्रेड क्यों करते हैं, नीड फॉर द फॉरेन ट्रेड क्या क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन ट्रेड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, रीस्टार्ट सीरीज में वापस पढ़ेंगे। लास्ट सेकंड बात करूँ तो मैं इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्री अपन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वापस रीस्टार्ट सीरीज में टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज अपने पढ़ेंगे 8 मार्क के लिए। एग्जाम इस बार बोर्ड पूछने वाला है पेपर के अंदर। और लास्ट आता है इमर्जिंग इशू इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो इमर्जिंग इशू क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है लोगों के, ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से। सर अर्बनाइजेशन सबसे पहले, इन तीन ही टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, अर्बनाइजेशन क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, और लास्ट आता है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रेलवे हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। और ये भी 10 मार्क के लिए, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर की तो चैप्टर वो 5, 6, 7, 8 और 11 जो कि ये 10 मार्क के, मतलब अगर बात करूँ तो 50 मार्क का 40, ये 5, 6, 7, 8 और 11, ये 5 चैप्टर अपन ने पढ़े, मतलब 50% कोर्स अपना कोर्स खत्म हो चुका है। 50% अपन ने क्या कर लिया, पेपर का रिवाइज कर लिया, रिव्यू कर लिया, पूरा का पूरा लर्न कर लिया, विथ माइंड मैप्स करेंगे, जिससे अपने को जो डेटा होता है ना, जो पहले मैं याद नहीं पाता था सर, आज वो मैं याद रख सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आने वाली सीरीज के अंदर करने वाले। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या था मेरा
ब्लूप्रिंट था किसका, इकोनॉमिक्स का, जिसका पेपर कोड है 022। क्लियर है इतना। चलो अब नेक्स्ट की क्लास में अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट से चालू करेंगे इकोनॉमिक्स के टिल द लास्ट चैप्टर। हर एक चीज अपने इस वी सीरीज के अंदर, रीस्टार्ट सीरीज के अंदर एंजॉय करते हुए माइंड मैप्स के साथ, नोट्स के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे और डैम श्योर सर याद हो ही जाएगा टिल द लास्ट वीडियो जो भी अपने आएगी। क्लियर है इतना। चलो थैंक यू सो मच अभी तक के लिए, इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच।